वो भी क्या दिन होते हैं जब बचपना पूरी तरीके से जाता नहीं है और समझ आती नहीं, जब कोई किशोर दिलों में हजारों सपने लिए किसी विश्वविद्यालय में कदम रखता है, उसको नहीं पता होता कि किन किन कठिनाइयों से उसका सामना होता है। सीनियर से जवान लड़ता है दिलों में जोश और छोटी छोटी बातों पे आपा खो देना हमारी आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्यों होता है ऐसा कि जवान हर छोटी बात को अपनी इज्जत पे ले लेता है और कुछ ऐसा कर बैठता है जो नहीं होना चाहिए। हटा दो मुझे पता है हर कॉलेज में ऐसा चलता है। तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो मैं तुमकी शिकायत कर देता हूँ, प्रिंसिपल से जरूर जाऊंगा। जब आपको एंट्री किए हुए करीब दो महीने हो गए या सर, जब से सर कैंपस में आते हैं लेट क्यों आप हो गए? सर पहले ये डर गया था सर, तो फिर हमारे वजह से ये यहाँ पे आने तो ये आ भी नहीं रहा था। किसको गार्जियन को बताया हमने? सर गार्जियन को भी नहीं बताया। क्यों बताते हैं ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? पहली बार आप बता रहे हो किसी? क्या सर बोलते हैं गार्जियन को बताया तो ये कर देंगे वो कर देंगे बहुत ज्यादा। ठीक है हम देखते हैं। और आप पहले डिटेल में आइए, मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और लड़कों को निकाल बाहर किया जाए, एक्सपल्शन किया जाए उनका, हमें यहाँ नहीं रखना है क्योंकि हमारा कॉलेज इसके लिए नहीं है कि यहाँ पर बच्चे परेशान हो। क्योंकि तो हमारे एंटी रैगिंग की भी टीम है, मैं उसको रिफर करता हूँ और ये पूरी चीज़ें उनकी नॉलेज में डाली जाएगी। आप बच्चे तुरंत आते हैं बच्चे से कौन बहुत घबराए हो सब डिटेल अप्लीकेशन आप लोगों बहुत बड़ा हीरो बना है तू, हाँ तूने मेरी कंप्लेंट कैसे की?
साले मैं आज इसे मार दूंगा। मैं समझा रहा था कि वो मर जाएगा, तुम समझ में नहीं आ रहा था। तुम भाई मैं मारना नहीं चाहता था ऐसे। लो हो तो वो तो वो क्या है जा यार तुम लोग। अरे भाई मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब भाई कैसे मर गया यार। अब भाई उठा, अब उठा यार इसे। भाई से उठा यार हेलो अभी तुम मर गया। ये मैं राली हॉस्टल में सर। एक जरा सी गलती, नशे में उठाया हुआ एक गलत कदम। कौन सोच सकता था कि इनकी एक नादानी इतने बड़े गुनाह का रूप ले लेगी। आपको क्या हुआ था, क्या किसी सर? कुछ दिन पहले सर, हम लोग जब नए नए जब आए थे सर कॉलेज में सर, हमें उन्होंने बुलाकर हमें बहुत परेशान भी करा था। इसमें से एक बार भी उन्हें हमारा मतलब कपड़ा तक उतार दिए थे सर। आप जो है तीनों बच्चों को ये थोड़ा लाइए। बच्चे की डेथ हो गई। हम विश्वविद्यालय में इस तरह का अनुशासन हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर मारना नहीं चाहता सर। ऐसा कैसे हुआ सर? पता नहीं कैसे हो गया सर। आप तो जानते हैं ना कि रैगिंग करना अपराध है सर। प्लीज सर लास्ट चांस दे दीजिए सर। नहीं नहीं आगे से कुछ नहीं होगा सर। इसके लिए एक भाई बैठेगी और वही सर सर हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सर। प्लीज आप मेरे को पकड़ के ले जाइए, बंद करिए। जान ले ली, कुछ हो गए अपने दोस्त की जान लेते हो और तुम्हें ये महसूस नहीं हुआ कि तुमने क्या किया? सर हमें नहीं पता सर, ऐसा कुछ हो जाएगा सर। आपको ये समझ में आना चाहिए, हम लोगों ने आपके सारे ग्रुप के बच्चों की ट्रेनिंग की, वर्कशॉप की, आपको बार बार मेंटरिंग के तहत समझाया कि आपको रैगिंग जैसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने सारी फ्रेशर्स के इंट्रोडक्शन के समय आपको समझाया था, बच्चों से परिचय प्राप्त हो चुका था, लेकिन आप लोगों ने इस चीज को सोचा नहीं और इसका परिणाम ये हुआ। उनको सिर्फ डराना चाहते थे सर। ये माहौल पढ़ाई लिखाई के लिए है, डराने के लिए नहीं है। आपके दो मित्र जेल में हैं, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपने एक मित्र की जान चली गई, दो मित्र जेल में हैं और यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है। आपको इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता ही नहीं। आपको 3 साल के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है इस कैंपस से, और आपके 3 साल बाद अपने माता पिता के साथ अगर आपको यहाँ से पढ़ने का पूरा मन होगा तो आप आइएगा और नियम के हिसाब से आपको आगे पढ़ने का मौका दिया जाएगा, आप जा सकते हैं। सिक्योरिटी हमारे शिक्षित समाज में सबसे बड़ा कलंक है। हालांकि UGC ने इसके विरुद्ध बहुत से प्रावधान बनाए हैं, लेकिन रैगिंग को हम तब तक जड़ से खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हमारे शैक्षिक संस्थान, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया और समाज एक साथ मिलके इसके खिलाफ डट के खड़े नहीं होते।